अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज फिर PFI पे जो बैंड हुआ उसको लेकर कुछ बात करने आया और RSS का कुछ ऐसे काम दिखाने आया उसका ही कार्यकर्ता का, तो इस बारे में मीडिया का ऊपर मैं बात उठाने आया कि इसको मीडिया क्यों दबा रहा है। जो बड़ा बड़ा मीडिया है कोई कुछ कर लेता है तो वो अगर दूसरा धर्म का है तो इसमें इतना बड़ा चढ़ा के मतलब मीडिया में दिखाया जाता है कि वो दुनिया का पर्दा बहुत बड़ा क्राइम कर लिया। हाँ कोई क्राइम किया है तो उसका सजा तो बोले नहीं, लेकिन जो RSS का जो प्लान है वो जो बम धमाका करना चाहा, बम कैसे बनाते हैं सिखाया, ये सब जो सोशल मीडिया पर आया आ रहा है तो इस पर मेन मेन जो इंडिया का बड़ा बड़ा मीडिया चैनल है वो क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका कारण क्या है। और तमिलनाडु का मैं एक न्यूज़ देख रहा था, तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उसने RSS का जो रैली निकलने वाला था उसको बैन किया, क्योंकि RSS का ऐसे बहुत वीडियो पड़ा है जिसने वो क्राइम किया है। और ये बजरंग दल ये सेना वो सेना ये सब तो मतलब एक ही मतलब थाली का चट्टापट्टा है, तो इन लोगों का काम क्या है आतंक मचाना। देश ने पूरा देखा इसको पकड़ के ये बोलो वो बोलो नहीं तो मारो, ठीक है। तो कुछ दिन पहले सबने देखा कि दो गुजरात में दो मुसलमान लड़कों को बहुत पीटा, मैं उसमें साथ देता हूँ उन लोगों का, क्यों क्योंकि जो उन लोगों का धर्म का पूजा आ रहा है तो उधर मुसलमान लड़के किस लिए जाएगा, तो ये सच्चा काम किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गया। कैसे कि एक बंदा अगर मेरा इधर आ जाए तो मैं भोग जो मतलब कुछ बोल सकता है कि तुम इधर क्यों आए, तुम्हारा काम क्या है, लेकिन उसको आधा मर्डर करना ये कैसा बात है। वो उसको मारा है ठीक है, लेकिन इतना मत मारो कि मतलब आतंकवादी वाला काम कर दो, तो काम किया है वो बजरंग दल जो आतंकवादी है वो आतंकवादी का काम दिखाया तो वो बात अलग है, लेकिन मैं जो RSS जो आतंकवादी है देश का उस पर अभी तक बैन क्यों नहीं लगा, मैं उस पर मीडिया पे सवाल उठा रहा हूँ। तो इस बारे में मैं कुछ बात करना है, मैं कुछ पहले दिखाता हूँ तो हर देशवासी को सोचना चाहिए। उसके पहले मैं कुछ और बोल लेता हूँ कि जो अंकिता का कांड हुआ था इधर झारखंड में, उसमें पूरा BJP पूरा RSS पूरा बजरंग दल सब सेना आ गया था कि उसको फांसी दो। हाँ अगर वो दोषी है उसको फांसी दो, कोई सच्चा मुसलमान उसका खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन दिन ब दिन देखता जा रहा है मतलब पूरा देश देख रहा है कि वो पलटा जा रहा है, मतलब वो लोग बोल रहा है कि कोर्ट से जो वीडियो कॉल के दिखाया गया कि वो लोग निर्दोष है ऐसे कुछ, मतलब जो विनय दुबे सामने आया कि उसका केस लड़ रहा है उसमें कुछ सबूत नहीं, मतलब अलग बात है अगर वो सबूत वो सच में वो लड़की को अगर जलाए सच में उसको फांसी दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही BJP वही RSS वो जो लड़की मतलब BJP का जो हमारा देश का मतलब मिनिस्टर होकर बैठा है वो जो सब औरत है वो क्यों नहीं उठा रहा है कि अंकिता भंडारी को जो BJP का लीडर का बेटा जो कांड किया है उस पर बात क्यों नहीं उठा रहा है, और उस पर डायरेक्ट सब देशवासी ने देख रहा है कि ट्वीट किसने किया था, कैसे ट्वीट किया था कि 19 साल का बेटी का वो बिल्ली के सामने दूध, ये बहुत मतलब मेन में बात ये सब उठाना नहीं, बहुत कचरा बात में वो ट्वीट में देखा कि ये लोग का मंशा क्या है, RSS का मतलब जो सोच है ना वो कितना गंदा है कि कोई गरीब लड़की अगर किसी जगह काम करे तो वो क्या बहुत गलत काम कर लिया, तो वो सब देशवासी को बोलेंगे कि RSS का जो ट्वीट था ना अंकिता भंडारी पे उसका जाके देखे वो कितना गंदा बात किया गया। और हमारा जो अंजुम सार है ना उसने भी वो ट्वीट आके बोला कि मैं शर्म से नहीं बोल पाएगा लेकिन वो जो गंदी सोच है वो दिखाया। तो मैं RSS का एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, जो RSS का कार्यकर्ता था और उसका क्या क्या सौंपाया था, कैसे बॉम्ब बनाने मतलब क्या काम है, आप लोग खुद सुनिए। तो हर देशवासी को बोल रहा हूँ कि जो यशवंत सिंह है इसका बात थोड़ा सुनिए, इस पर मीडिया कुछ नहीं की दिखा रहा है क्या है क्या नहीं है, आप लोग थोड़ा सुनिए। पिछले महीने 29 तारीख को मैंने एफिडेविट दाखिल किया था विशेष सत्र न्यायालय गांधीनगर में कि मैदान के खिलाड़ी जो थे उनको पकड़ा
वास्तव में जो ब्रेन है उनको पकड़ा ही नहीं है। तो मैंने एप्लीकेशन करके कोर्ट में मिलिंद परांडे, राकेश धावड़े और मिथुन चक्रवर्ती यानी रविदेव, इनको हिरासत में लिया जाए। मिलिंद परांडे ये ब्रेन है, राकेश धावड़े सिखाने के लिए लेकर आता था जो मालेगांव में आरोपी है प्रज्ञा के साथ, राकेश प्रज्ञा सिंह जो ठाकुर है सांसद भाजपा की पुरोहित वगैरह मिलके, और मिथुन चक्रवर्ती जो वास्तव में रविदेव है जो सिखाने के लिए आता था। तो ये लोग आरोपी उन्होंने अभी तक बनाए नहीं, तो इनको आरोपी बनाया जाए ऐसे मैंने, ताकि मैं इस घटना से सीधा जुड़ा हुआ हूँ, सीखने से लेके इनका प्लानिंग बना था क्या हेतु है, इस सारी जानकारी मेरे पास है, कौन प्लानर है इसके, कौन इसके मैदान के खिलाड़ी कौन थे, सब मुझे जानकारी थी। तो इसमें मुझे विटनेस के तौर पर लिया जाए ताकि मेन आरोपी तक पहुंचा जा सके, ऐसा मेरा इसका हेतु था। आज तारीख थी तो सीबीआई के पीपीआई थे मुंबई से, राजन कुमार झा आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, आरोपी के वकील है उन्होंने अपना पक्ष रखा, और सीबीआई ने जो दाखिल किया है उसमें उसमें पाए गए कि राकेश झावड़े और रविदेव आरोपी बनाए गए थे। यानी मुझे मालूम तो नहीं था कि उन्होंने क्या इसको आरोपी बनाया है नहीं बनाया, यानी मैंने जो आरोप किए थे पहले वो सामने आ गए, राकेश झावड़े को आरोपी बनाया लेकिन उसको भी क्लीन चिट देके बाहर निकाला, रविदेव को भी आरोपी बनाया परंतु वो कौन है उन्हें अभी तक पता नहीं चला, उनको वो पकड़ा ही नहीं गया, उसके चित्र बनाए और उसको सब सबूत दे रहा है और वो आके बोल रहा है कि सीबीआई वाले को पूछे कि कौन कौन मतलब ये क्या क्या कर रहा है, सब सबूत देने के लिए तैयार है, लेकिन मीडिया उसमें कुछ मतलब ध्यान ही नहीं है। तो मीडिया का जो मेन मुद्दा है ना, तो ये सबूत दिखा रहा है। और मैं और एक बात बोलता हूँ कि अमानतुल्लाह खान पे पूरा बड़ा बड़ा जो मीडिया बहुत कुछ बोल रहा था, बहुत कुछ कि ये कर दिया वो कर दिया, उसमें फिर कोर्ट ने उसको क्यों बेल मतलब ये रिहा क्यों कर दिया, कोर्ट ने उसको क्लीन चिट क्यों दे दिया। तो मेन जो बात है, ये जो मीडिया है ना, ये 90% झूठ बोलते ही बोलता है, 10% सच बोलता है कि मतलब अल्लाह जाने। तो ये लोग 90% झूठ बोलते रहता है। और एक बात है कि
सुधीर चौधरी ने बोला था कि 2000 में चीफ है, मिला क्या? नहीं मिला ना। और बहुत कुछ ऐसे एलिगेशन लगाया मीडिया ने, लेकिन वो कुछ सबूत नहीं मिला। इन लोगों को पैसा दिया जाता है जो मतलब किसके लिए काम करता है मालूम नहीं, तो उसका जो मेन काम है सबको तो देश को मालूम, देश को मालूम है किसके लिए काम करता है, बोलने का जरूरत नहीं। तो उसको जो बोला जाता है वो बोलता रहता है। अमन अब्दुल्ला खान पे कितना मतलब एलिगेशन लगाया, लेकिन वो कुछ सबूत नहीं कर रहा है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ पीएफआई वाले ने तो बोला कि कोर्ट में केस लड़ेंगे, अगर सच में वो दोषी है तो सजा तो कोई मुसलमान उसका पक्ष में नहीं खड़ा रहेगा। हाँ, अगर इसलिए कांग्रेस का कोई और दूसरा दल का भी बोला है कि पहले जांच तो मिले अच्छे से, मतलब जो कानून का दायरे में रह के वो कानूनी कार्रवाई करे, उसका अगर सबूत मिले तो उसको बैन करो। और आरएसएस ने जो जो कांड किया है, मैं जैसे कुछ वीडियो दिखाया, तो आरएसएस के ऊपर कब कब बैन लगेगा? बीजेपी आरएसएस के ऊपर क्यों बैन नहीं लगा रहा है? वो खुद बोला कि बीजेपी आरएसएस को काम में लगा रहता है। तो मैंने जो है और एक मैं बात बोलता हूँ कि वेस्ट बंगाल के बारे में, कि एक दलित लीडर को मतलब पुलिस उससे तो कुछ दलित लीडर लोगों का मतलब कुछ सपोर्ट नहीं किया, आरएसएस का गुंडा आके वो बहुत पीटा, किसको? दलित लीडर को। तो देश में हर राज्य में आरएसएस क्या कर रहा है दिखाई दे रहा है। वो एक दलित का लीडर ने आके देखा कि मेरे पास उसका सबूत भी था, तो वो थोड़ा मेरा मतलब दिख सकता था, वो वीडियो मैंने हट किया कि वो वीडियो देख रहा था कि कोई अगर ढूंढने का तो सोशल मीडिया मिल जाएगा कि एक दलित लीडर को रोड में एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, वो सबसे शिक्षा देता है, उसको खींच के मतलब लिया के बहुत पीट है। और तब बोल रहे हैं कि ये लोग दलित लीडर सहन कर नहीं पा रहा है। तो ये जो देश को ब्राह्मण राष्ट्र बनाने वाला है ना, तो ये दलित मुस्लिम ओबीसी एससी एसटी जो हर जो मतलब छोटा ये है जो देश में मतलब जिसके ऊपर मतलब क्या बोलूं कि जो कानून है उसका ये नहीं मिल रहा है, पुलिस नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो ऐसे बहुत कुछ है। तो इन सबको एक होना है, दलित मुस्लिम और जो छोटा छोटा जो जाति है सबको एक होकर काम करना है, नहीं तो ये लोग हम लोग एक एक माइंड में बात करेगा और जो मर्जी आएगा करेगा। तो और एक बात बोलता रहता हूँ कि एक वेस्ट बंगाल में हुआ कि एक मिडिल क्लास सब सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो आरएसएस वाला कैसा है सबको दिखा दे रहा है। तो बीजेपी आरएसएस में तो बीजेपी का लीडर जो जाके एक दो तीन औरत था उसको सब बोतल का शीशा तोड़ दिया, और जो तलवार तो सोशल मीडिया में देखते आरएसएस कैसे घूमता है, तो ऐसे ले जाकर उसके ऊपर हमला किया, हमला करके पूरा तोड़ फोड़ किया, करके बोला कि 80,000 दो। अरे तुम लोगों को औकात नहीं है तो खुद से बीजेपी के साथ तो मतलब लीडर के पास बहुत पैसा आता था, मुसलमानों को जाकर क्यों टॉर्चर कर रहे हो? और पुलिस और जो उधर का लीडर कुछ नहीं नजरअंदाज कर रहा है, तो सबको दिखाई दे रहा है। जो झारखंड पे तो मार्डर किया गया मुसलमानों का, उसमें पुलिस क्या कर रहा है? कोई मीडिया क्या कर रहा है? कोई नहीं जा रहा है। ये लोग तो कुत्ता भी है, मर जाए कोई बोला नहीं, ये लोग कुत्ता भी इसको ऊपर टॉर्चर हो इसे 80,000 एक लाख कोई बोला नहीं। अरे तुम लोगों का पैसा नहीं है, तुम दूसरे से मांग जाओगे? अगर हाँ खुशी होगी कोई देना चाहे दे, लेकिन तुम जबरदस्ती 80,000 कोई चंदा होता है। तो मैं हर नौजवान को बोलता हूँ कि आप लोग जो सच्चाई बात है वो बात उठाओ, और मैं ये मांग करता हूँ कि जैसे अहमदुल्ला खान को मतलब पूरा एकदम बाइजाज बना दिया, सच में अगर पीएफआई अगर कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर ये लगेगा। मेन बात है कि जांच की जांच होगा नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे कांग्रेस का एक लीडर आके बोला कि जांच हुआ ही नहीं तो हमको पता नहीं, जो सरकार ने बोल दिया मान लिया, तो सरकार जो कैसा काम कर रहा है देख रहा है कि अहमदुल्ला खान के ऊपर ये किया वो किया बहुत कुछ दिखाया मीडिया ने और सरकार ने बहुत दावा किया, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही अगर पीएफआई के ऊपर कुछ बहुत एलिगेशन लगाया लेकिन कुछ सच्चाई है नहीं, बाद में हो सकता है, तो वो कोर्ट का लड़ाई लड़ेगा जो सच में संविधान को प्यार करता है, तो देखेंगे क्या होता है। और मैं हर भाई को बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, देश के सामने पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।